नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एमपी दिनभर, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात बड़वानी की, जहां पर दूषित पानी काल बन चुका है। जी हां, दो लोगों की मौत अब तक हो चुकी है दूषित पानी से। कई लोग बीमार भी हैं। मजदूरों और बच्चों को उल्टी दस्त की शिकायत थी लगातार, और इसी के चलते अस्पताल में भी कई सारे मजदूरों को भर्ती कराया गया है, जिसमें से दो की मौत हो चुकी है। 10 का इलाज फिलहाल जारी है। महाराष्ट्र के पीपल कोठा ये मजदूरी करने के लिए वे गए हुए थे, और इसी दौरान दूषित पानी पिया गया इनके द्वारा और बीमार पड़ गए। ग्राम धनोरा के रहने वाले ये सभी पीड़ित बताए जा रहे हैं। तो पलायन का देखिए सिलसिला लगातार जारी है, और पलायन के दौरान जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो व्यवस्थाएं नहीं होने की वजह से, कुछ भी खा लेने की वजह से, कुछ भी पी लेने की वजह से इस तरह की तस्वीरें आती हैं, और मजदूर इसी तरह बीमार पड़ते हैं। अब ये तस्वीर जिसमें 10 मजदूरों की हालत गंभीर है, दो की मौत हो चुकी है दूषित पानी पीने की वजह से। दूषित पानी पीने की वजह से दो की मौत हुई है, ये बड़ी खबर इस वक्त बड़वानी से आपको बता रहे हैं। चलिए इसी बीच बड़ी खबर की बात करते हैं। बिलासपुर से यह बड़ी खबर है, श्रद्धालुओं से भरी पिकअप ट्रक से टकरा गई है। पिकअप में सवार 22 लोगों को चोटें आई हैं, दर्जन भर श्रद्धालुओं को गंभीर चोट आई है। कोरबा जिले के चैतुरगढ़ से माता के दर्शन कर बिलासपुर के अमेरी श्रद्धालु लौट रहे थे। रतनपुर बाईपास में यह हादसा हुआ, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर बिलासपुर पहुंचे हैं सीएमएचओ राजेश शुक्ला, घायलों को अस्पताल भेजा। मामले की जांच में फिलहाल रतनपुर पुलिस जुटी हुई है। बिलासपुर की एक खबर आपको बता रहे हैं, हादसा हुआ है, 12 श्रद्धालु इसमें घायल हुए हैं, गंभीर चोटें 12 श्रद्धालुओं को आई है। चैतुरगढ़ से दर्शन कर ये सभी बिलासपुर की तरफ लौट रहे थे, अचानक से हादसा हो गया। कोरबा जिले के चैतुरगढ़ से ये सभी श्रद्धालु लौट रहे थे। फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, सभी का इलाज जारी है। कुछ लोगों की हालत गंभीर भी बनी हुई है, अधिकतर लोगों को चोटें भी आई हैं। दरअसल श्रद्धालुओं से ये पिकअप भरा हुआ था और ट्रक से टकरा गया। पिकअप में लगभग 22 लोग सवार जो थे, उनमें से 22 लोग घायल हुए हैं, इनमें से 12 श्रद्धालु जो हैं इनको गंभीर चोटें आई हैं। चैतुरगढ़ से दर्शन कर ये सभी बिलासपुर की तरफ लौट रहे थे, और अचानक से बेकाबू होकर के ट्रक में जा घुसी गाड़ी, और ये बड़ा हादसा हो गया जिसमें कई सारे लोग घायल हैं। 12 की हालत गंभीर बताई जा रही है, फिलहाल सभी का इलाज जारी है। मौके पर प्रशासन की टीम पहुंच चुकी है, सीएमएचओ पहुंच चुके हैं, जांच पड़ताल पूरे मामले में जारी है कि आखिर किन्हीं लापरवाहियों की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ, और आखिर क्या क्या मौके पर जरूरतें हैं, रेस्क्यू किया गया और सभी को अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में सभी का इलाज जारी है, हालांकि 12 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। चैतुरगढ़ से दर्शन कर ये सभी बिलासपुर की ओर लौट रहे थे, तभी ये बड़ा हादसा हो गया। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, सभी का इलाज जारी है। दर्शन करके ये बिलासपुर की ओर लौट रहे थे श्रद्धालुओं से ये पिकअप भरा हुआ था, जो अचानक से ट्रक से पिकअप टकरा गई। पिकअप में 22 लोग सवार होना बताए जा रहे हैं, जो 22 के 22 घायल हैं, इसमें से 12 श्रद्धालु ऐसे हैं जिन्हें गंभीर चोट आई है, इनका इलाज जारी है। चैतुरगढ़ से दर्शन करके ये लौट रहे थे, कोरबा जिले के चैतुरगढ़ से ये श्रद्धालु लौट रहे थे, इसी दौरान ये बड़ा हादसा हो गया और 22 लोग घायल हो गए, इसमें से 12 की हालत गंभीर बताई जा रही है। अस्पताल में डॉक्टर की निगरानी में सभी का इलाज चल रहा है, कुछ गंभीर हैं, 12 लोग गंभीर बताए जा रहे हैं। जो श्रद्धालु हैं उनमें से 12 जो श्रद्धालु हैं वो ज्यादा गंभीर रूप से घायल हैं, चोटें उन्हें गंभीर आई हैं, उनका इलाज किया जा रहा है प्राथमिकता के साथ। फिलहाल मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है, जांच पड़ताल पूरी तरह से जारी है कि आखिर किन्हीं लापरवाहियों की वजह से यह हादसा हुआ है और क्या स्थितियां बनी जिस वजह से ये बड़ा हादसा हुआ। सभी पहलुओं पर पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बिलासपुर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां पर कार का कहर देखने को मिला। जो यहां कॉलेज से लौट रही छात्राओं को टक्कर मार दी बेकाबू कार ने, 6 छात्राओं को टक्कर मार दी। गंभीर हालत में एक छात्रा ओपुल
रेफर की गई है। 5 छात्राओं का सिम्स में इलाज जारी है। गर्ल्स डिग्री कॉलेज के सामने टक्कर मारी गई। पुलिस ने एक को बता दें 5 छात्राओं का सिम्स में इलाज जारी है। गर्ल्स डिग्री कॉलेज के सामने टक्कर मारी है। पुलिस ने एक को दबोच भी लिया है, दूसरा फरार बताया जा रहा है। जो आरोपी है एक को दबोच लिया गया, दूसरा फरार। जगदलपुर पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। भ्रष्टाचार में फंसे रमन सिंह की केंद्र सरकार जांच क्यों नहीं करती। वहीं बघेल ने कहा कि 7 नवंबर को मतदान है लेकिन इसको लेकर बीजेपी के पास कोई योजना नहीं। मुख्यमंत्री ने रमन सिंह सरकार में सबसे ज्यादा धर्मांतरण होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि डबल इंजन के सरकार में सबसे ज्यादा नक्सलवाद बढ़ा है। 7 तारीख मतदान है, अभी भारतीय जनता पार्टी कुछ बोल ही नहीं पा रही, क्या करेंगे। जबकि हमारे यहाँ देखिए सबसे पहली बात ये है कि हम जाति जनगणना करेंगे, राहुल जी बोल चुके हैं। 17 लाख आवास बनाएंगे, प्रियंका जी कांकेर में आग बोल चुकी है, गरीबों लेकर आवास। तीसरी ये है कि जो 20 क्विंटल धान प्रति एकड़ खरीदेंगे, मैंने घोषणा कर दी। 3-3 घोषणाएँ हो गई हमारे तरफ। भारतीय जनता पार्टी अभी तक मौन, बस उसी में भ्रष्टाचार में रमन सिंह के इतने केसेस हैं, उसको जांच क्यों नहीं कराते, चिटफंड की जांच क्यों नहीं कराते, नान की जांच क्यों नहीं कराते, क्या हो गया, क्यों नहीं करा रहे हैं। हेमंत विश्व शर्मा के केस कहाँ है, जो स्टार प्रचारक बन के घूम रहा है। कवासी लखमा ने कहा कि एक भी धर्मांतरण हमारे कार्यकाल में हो बता दो, मैं इस्तीफा दे दूंगा। उसके बाद किसी ने चुनौती दी तो जितना धर्मांतरण हो रमन सिंह के समय हुआ 15 साल, आज वो मुद्दा बना रहे हैं, वो बस कोई काम नहीं कर रहा है तो चुप। दीपावली तो एक ही है जो 10-20 दिन बाद मनाते हैं, वही दीपावली है। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या इंदौर के नरसिंह वाटिका में नव मतदाता सम्मेलन में पहुंचे और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उनके साथ विधानसभा 1 से चुनाव लड़ रहे बीजेपी प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय भी मंच पर मौजूद रहे। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए सूर्या ने कहा कि सनातन धर्म को खत्म करने के लिए एनडीए गठबंधन बना है। सनातन को लेकर 5 राज्यों की जनता जवाब देगी। जो एनडीए गठबंधन है ये सनातन धर्म को और भारत के जो विरासत है इसको खत्म करने के लिए, इरेडिकेट करने के लिए एकजुट आ चुके हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये स्वयं इंडी गठबंधन के नेता कह रहे हैं। सनातन इस देश का एक पहचान है और इस देश के विशेषता भी है। किसी समय 70 से ज्यादा लोगों की हत्याएं करके चंबल ग्वालियर संभाग में कोहराम मचा चुके पूर्व दस्यु रमेश सिंह सिकरवार ने विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा दावा किया। पूर्व दस्यु रमेश सिकरवार का दावा है कि बीजेपी विजयपुर विधानसभा क्षेत्र से सीताराम आदिवासी या किसी अनपढ़ और अयोग्य व्यक्ति को मैदान में उतारेगी तो चुनाव में हार का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने बीजेपी के विजयपुर विधायक सीताराम आदिवासी के 5 साल के कार्यकाल को पूरी तरह से फेल बताया और कहा कि ऐसे लोग विधायक बनने के योग्य नहीं जिन्हें अपने अधिकारों का भी ज्ञान ना हो। पूर्व दस्यु का आरोप है कि बीजेपी विधायक सीताराम आदिवासी से दूसरे वर्ग के नहीं बल्कि उन्हें उनके समाज के लोग ही नाराज हैं। सीताराम आदिवासी अपने आप विधायक बना है तो सीताराम आदिवासी से किसी काम भी कहते लोग मारी तो साहब वो सुने भी नहीं। इस विधायक किस मतलब का जिसकी कोई सरकार जितनी उसी कोई नहीं सुन रहा तो ऐसे विधायक बना, विधायक होना चाहिए तो पढ़ा लिखा आदमी उसको विधायक बना। जनता मूर्ख थी, एक बार जो है आदिवासी वो ज़्यादा वोट होने से वो सीताराम बन गया, कोई अपन लोगों ने बना दिया। विधायक हो पढ़ा लिखा हो योग्य हो उसको विधायक बनाया जावे। विधानसभा टिकट का मोह इतना, बुरहानपुर के एक पुलिस थाना अधिकारी ने अपनी ही सरकारी नौकरी को दांव पर लगा दिया। जबलपुर में सब इंस्पेक्टर के पद पर पदस्थ नेपा नगर के बागडी ग्राम के निवासी बिलर सिंह जबरा ने टिकट के चाह में थानेदार की रुबाबदार नौकरी को छोड़ दिया। बिलर सिंह ने 19 सालों तक पुलिस में सेवाएं दी और अब वो राजनीति के जरिए जनता की सेवा करना चाहते हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर कांग्रेस से ही
नेपानगर विधानसभा से टिकट की मांग की। कमलनाथ, बाला बच्चन कई दिग्गज नेताओं से संपर्क कर चुके हैं। क्षेत्र की जनता के गिरते शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के स्तर को देखते हुए बिलार सिंह ने राजनीति में जाने का निर्णय लिया। टिकट के लिए बिलार सिंह दौड़ लगा रहे हैं। इसके पूर्व ही उन्होंने अपना चुनावी प्रचार शुरू कर दिया और इस दौरान वो सैकड़ों लोगों का समर्थन भी पा रहे हैं। राजनीति और विधानसभा चुनाव के टिकट के लिए सरकारी नौकरी, पुलिस थानेदार की नौकरी छोड़ दी है। हमारे साथ में हम उनसे बात करेंगे कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये बताइए। हमारे क्षेत्र में 15 सालों से 18 साल से बीजेपी की एमएलए है, जो क्षेत्र की जनता के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए कुछ भी विकास का कार्य नहीं किया। आज वहां जाके आप देख लीजिए, शिक्षा का स्तर गर्त में चला गया है, स्वास्थ्य का स्तर बहुत ज्यादा चला गया नीचे, और रोजगार, रोजगार की बात करें तो हमारे क्षेत्र के सबसे ज्यादा क्षेत्र के लोग पलायन करते हैं दूसरे राज्यों में, जहाँ वहाँ उनके साथ अत्याचार होता है, शोषण होता है, बंधुआ मजदूर बना के उनके साथ अन्याय होता है। और छोटे जो किसान है हमारे, छोटे किसान, उनको जो उचित दाम मिलना चाहिए, उचित दाम तो छोड़िए, जो अधिकतम मूल्य छोड़िए, जो मिनिमम मूल्य वो भी नहीं मिल पा रहा है, तो बहुत सारी समस्या है, इनको लेकर हम क्षेत्र में आए हैं। तो इन्होंने बताया कि सरकारी नौकरी में होते हुए भी उन्होंने जनसेवा की, लेकिन राजनीति एक अच्छा माध्यम है जिसमें जनसेवा ज्यादा से ज्यादा की जा सकती है। गणेश कुमार बाविस्कर, न्यूज 18 बुरहानपुर। सागर की बात करेंगे, जहां रेलवे स्टेशन पर डीएपी खाद की एक रैक उतारी गई। इन खाद की बोरियों पर पीएम मोदी की फोटो लगी है। इसे लेकर कांग्रेस ने आपत्ति जताई और इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बताया और निर्वाचन आयोग में शिकायत की। कांग्रेस का आरोप है कि किसानों को प्रधानमंत्री के नाम पर आकर्षित किया जा सकता है। इस डीएपी खाद का वितरण सागर के देवरी, गौरझामर, केसली के अलावा टीकमगढ़, छतरपुर जिले में भी सप्लाई होना है। सागर रेलवे स्टेशन के माल गोदाम में माननीय प्रधानमंत्री जी की फोटो लगी हुई खाद की बोरियों के रैक खाली हो रहे, और उन्होंने आशंका व्यक्त की कि ये चुनाव के दौरान किसानों को माननीय प्रधानमंत्री जी की फोटो लगी हुई खाद की बोरियां बांटकर चुनावी लाभ लेने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इस बात को मैंने अपने संज्ञान में लेकर मध्य प्रदेश के चुनाव प्राधिकारी श्री अनुपम राजन जी को व्यक्तिगत रूप से शिकायत की। खंडवा में आचार संहिता लागू होने के बाद स्टैटिक सर्विलांस टीम यानी एसएसटी ने कार्रवाई की है। जावर थाना के चेफ पोस्ट पर जांच के दौरान खाद बीज व्यापारी भरत राठौर से 3,65,000 रुपए की राशि जब्त हुई। राशि के संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाए। इससे पहले यहां शराब ठेकेदार गौरव जायसवाल के मैनेजर से 1,20,000 रुपए पकड़े गए थे, तब भी रुपयों से जुड़ी सही जानकारी नहीं दी गई थी। और बात अब करेंगे नीमच की, जहां सीताराम जाजू सागर डैम से पानी की चोरी की जा रही थी और इस बात की खबर जैसे ही प्रशासन को लगी, तुरंत पुलिस और नगरपालिका का अमला अवैध रूप से बिछाई गई पाइपलाइनों को हटाने पहुंच गया। इस कार्रवाई में करीब 200 से 250 अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए, जिसमें 25 पटवारी, 5 तहसीलदार, 5 थाना प्रभारी और 50 से अधिक पुलिसकर्मी लगे रहे। वहीं कार्रवाई में 10 जेसीबी मशीन, 6 ट्रैक्टर, 2 दमकल की गाड़ियां, 1 एम्बुलेंस के साथ ही बड़ी संख्या में दूसरे वाहनों को भी लगाया गया। आपको बता दें कि इस बार नीमच जिले में औसत वर्षा हुई, जिसके कारण सीताराम जाजू सागर डैम में पानी की कम मात्रा है। ऐसे में अगर पानी की चोरी नहीं रोकी जाती तो शहर में पेयजल का संकट खड़ा हो सकता। जाजू सागर बांध का जो जलाशय है वो नीमच शहर के लिए पेयजल आपूर्ति का काम करता है। इस बार औसत वर्षा हुई है, इसलिए जलाशय में जल संग्रहण अपेक्षित मात्रा में नहीं हो पाया है। आसपास के लोगों की ये टेंडेंसी है कि वो यहाँ से पानी को लिफ्ट करते हैं और निकटवर्ती जो उनके कुएँ हैं उनमें डालते हैं, फिर वहाँ से आगे ले जाते हैं। इस तरह पेयजल के लिए जो पानी है, जो मात्र पेयजल के रिजर्व के लिए रिजर्व है, वो दूसरे उपयोग में आ रहा है। और यदि ऐसा ही चलता रहा तो नीमच शहर में पेयजल संकट होगा। इसी आशंका को दूर करने के लिए आज यहाँ एक बड़ी कार्रवाई प्लान की गई थी, जिसमें पाइपलाइनें उखाड़ी जा रही हैं और जो पानी लिफ्ट करने के साधन हैं वो उनको हटाया जा रहा है। पन्ना की बात करेंगे, जहां के ब्रजपुर थाना इलाके के पनारी में वन विभाग की टीम ने पुलिस के सहयोग से एक शिकारी के घर पर छापा मारा, जहां तलाशी के दौरान तेंदुए के नाखून सहित सुअर के दांत, अज्ञात वन्य प्राणी का सिर और सुअर की हड्डियां बरामद की गई। साथ ही 315 बोर का कट्टा, 2 जिंदा कारतूस और हथियार बनाने की सामग्री भी बरामद की गई।
बुरहानपुर में चोरों के हौसले बुलंद हैं, आम लोग त्रस्त हो चुके हैं। अब चोरों ने भगवान को भी नहीं छोड़ा और भैरव बाबा मंदिर में चोरी कर डाली। चोरों ने मंदिर में 3 दान पेटियों और अलमारी तोड़कर करीब 25,000 रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। अलमारी तोड़ते वक्त चोर के हाथ कटने से फर्श पर खून के छींटे भी दिखाई दिए। वहीं चोरों की चोरी सीसीटीवी में कैद हुई। पुलिस चोरों की तलाश फिलहाल कर रही है। सीसीटीवी में ये चोर जो है कैद हुए हैं। भगवान के दर पर भी इन्होंने कोई लिहाज नहीं रखा, भगवान के दर को भी निशाना बनाया और बड़ी मात्रा में जो रुपया था, भगवानों के गहने थे, उन पर हाथ साफ कर दिया। पूरी ये घटना सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई है। भगवान के घर में चोरी हुई है। फिलहाल पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश की जा रही है। सुबह जब मैं 5 बजे मंदिर पर आया, मंदिर खोलने के लिए, तो मैंने देखा कि हमारे मेन गेट के ताले टूटे हुए थे। उसके बाद में गेट ऐसा अटका हुआ था, जब गेट आके अंदर घुसे तो यह ताले तोड़े हुए मिले। उसके बाद अंदर देखा तो क्या गल्ले में नजर गई तो हमारे तीनों चारों गल्ले जो थे, दान पेटियां, वो तोड़ी गई थी। और दान पेटियों की जो राशि थी, जो भी दान था, वो सब गायब था। रतलाम के मेडिकल कॉलेज में उस समय हड़कंप मच गया जब एक मानसिक रूप से परेशान महिला मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग पर चढ़कर बैठ गई। महिला दूसरी मंजिल पर बने छज्जे पर जाकर बैठ गई। इस महिला को जिसने भी देखा, उसकी सांसें अटक गईं। महिला पाइप के सहारे नीचे उतरने की भी कोशिश करती रही। मौके पर मौजूद लोगों ने घटना की सूचना औद्योगिक थाना पुलिस और मेडिकल कॉलेज प्रबंधन को दी, जिसके बाद महिला को बड़ी मुश्किल से उसके बेटे की मदद से नीचे उतारा गया। महिला को फिर से मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है। तो वहीं इस घटना ने एक बार फिर से मेडिकल कॉलेज के सुरक्षा प्रबंधन की पोल खोल दी है। और बाथरूम में गए कि फ्रेश होके आ रही हूँ, तो ऐसे करके मैंने तो बोला ठीक है फ्रेश होके आओ, तो 2 मिनट में फिर जा 2-4 मिनट में देखा तो अंदर है नहीं, तो 3 मंजिल पे थे, तो उस जगह देखा तो अंदर नहीं मिली मेरे को। फिर वहाँ से मैं सीधा 4 मंजिल से सीढ़ी से भागता हुआ आया, तो वहाँ ऊपर दिखे, तो वहाँ से मैं भागता हुआ आया, उसको मेरी माँ के पास चला गया। सीहोर की बात करेंगे, जहां राजस्थान से आए एक भेड़ पालक की उसके चरवाहे ने लाठी से पीट पीट कर हत्या कर दी। मामला भैरुंदा थाने के तहत आने वाली लाड़कोई चौकी के सैंपुर गांव का है, जहां राजस्थान के उदयपुर के मालवी गांव से आए गाडरी समाज के भेड़ पालक 70 वर्षीय बद्री प्रसाद के चरवाहे ने हत्या कर दी। चरवाहा नीमच जिले के अथवा खुर्द गांव का रहने वाला है। बताया गया कि दोनों में मेहनताने को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद गुस्साए चरवाहे ने भैरुलाल ने लाठियों से पीट पीट कर भैरवी से नृशंस हत्या कर दी। आज थाना भैरुंदा अंतर्गत चौकी लाड़कुई के ग्राम सिंहपुर के रास्ते पर गाडरी समाज के दो व्यक्ति में आपस में विवाद हुआ, जिसमें कि गाडरी समाज का जो भेड़ों का मालिक था, उसको उसी के नौकर द्वारा सर में डंडा मारकर उसकी हत्या कर दी गई है। खबर जबलपुर से है, जहां गोहलपुर इलाके में सफेद रंग के सांप को देखकर लोग दहशत में आ गए। किंग कोबरा प्रजाति के सांप को देखते ही पहले तो लोगों में हड़कंप मच गया, फिर सर्प मित्र को बुलाया गया। दरअसल लोगों ने अक्सर काले या भूरे रंग के सांप को देखा है। जैसे ही ये सफेद रंग का सांप दिखा, लोगों में उत्सुकता बढ़ गई। बहरहाल मौके पर पहुंचे सर्प मित्र शनि अहरवार और रत्नेश अथिया ने सांप को पकड़ा, तब लोगों की जान में जान आई। सर पर रत्नेश ने बताया कि यह किंग कोबरा प्रजाति का नाग है। ये काले रंग का ही होता है, लेकिन पिगमेंट लेस बीमारी के कारण सफेद हो जाता है। असल में ये एक नाग जाति का सांप है, जिसको हम लोग इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा बोलते हैं, और ये हमें गोहलपुर खेरा के पास ये हमने इसको रेस्क्यू किया। रेस्क्यू उसको सनी अहरवार नाम के एक सर्प मित्र ने किया है, और ये सांप कई लाखों सांपों में कोई एक सांप ऐसा रहता है जो एकदम सफ़ेद रहता है, और इसमें इसके सफ़ेद रंग से कोई मतलब नहीं है कि इसमें जहर नहीं, इसमें जहर पर्याप्त है एक इंसान को मारने लायक, और ये कहीं बाहर से नहीं आया था, ये यहीं पर मिला है और ये यहीं पर इसकी जन्म हुआ था इसका। जबलपुर की बात करेंगे, जहां गरबा महोत्सव जायके के साथ जबलपुर निर्वाचन विभाग ने फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए आयोजित किया। नवरात्रि और चुनाव को देखते हुए कल्चरल स्ट्रीट भंवर
ताल गार्डन में गरबे का आयोजन हुआ, जिसमें स्कूल और कॉलेज के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान युवाओं में गरबे को लेकर उत्साह दिखा, तो वहीं फर्स्ट टाइम वोट देने की उत्सुकता भी नजर आई। और अब बात करेंगे उज्जैन की, जहां नवरात्रि के पावन पर्व पर भक्त माता की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं, तो वहीं नवरात्रि के पर्व पर बड़े बड़े होटलों में गरबे का आयोजन किया जा रहा है और वहां फिल्मी गानों और अश्लील गानों पर गरबा कराया जा रहा है, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसके बाद हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने गरबा स्थल पर पहुंचकर कड़ी चेतावनी दी, कहा कि माँ की आराधना करनी है तो भक्ति का भाव वाले गाने के ऊपर गरबा करें, अन्यथा अश्लील गाने पर गरबा ना करें। वहीं दूसरी ओर हिंदूवादी संगठन के लोगों ने गैर हिंदू समुदाय के युवकों को हिंदू युवती के साथ छेड़खानी करते हुए भी पकड़ा। नवरात्र के पावन मौके पर हम आपको ले चलेंगे बुरहानपुर, जहां गांव बिरोदा में माता रानी का अनोखा मंदिर है। इस मंदिर में मरीजों के साथ ही आंखों देखा चमत्कार होता है। भक्तों का कहना है कि इनाई माता स्वयं डॉक्टर बनकर मरीजों की शारीरिक पीड़ाओं और बीमारियों का इलाज करती हैं। दिव्य भक्ति, माता रानी के सामने फर्श पर हाथ पैर रखते ही माता मरीजों को अपनी ओर खींच लेती हैं। खाज जोड़ों का दर्द, सर दर्द, शरीर की पीड़ा सहित कई बीमारियों का माता रानी इलाज करती हैं। दुखों का निवारण करने के लिए देश भर से मरीज इनाई माता के मंदिर में मत्था टेकने आते हैं और खुश होकर जाते हैं। जी ना माता, पैरों में तकलीफ थी, फायदा आराम से पड़ गया मेरे को। कितने सालों से पैरों में तकलीफ है? कम से कम 9 साल से। 9 साल से कैसे मालूम पड़ा कि यहाँ पर इन चीजों का इलाज होता है? यहाँ पे पैरों का इलाज। क्या क्या हुआ था? मेरे तो पैरों में तकलीफ थी मेरे। यहाँ पर आने के बाद में कैसा महसूस हो रहा है? महसूस अच्छा लग रहा है। क्या क्या हुआ आपके साथ में यहाँ आने के बाद? ये पैरों की जरा तकलीफ दूर हो रही है। देखा गया कि अपने आप आपका पैर चल रहा है। अपने आप पैर चलते हैं। इस वक्त हम मौजूद है बुरहानपुर जिले के ग्राम बिरोदा में, जहाँ पर एक चमत्कारी मंदिर है। मंदिर का नाम है एनआई माता का मंदिर। यहाँ पर बताया जाता है कि कई सारी बीमारियों का इलाज होता है। माता रानी खुद ऐसे बीमार लोगों का इलाज करती है। हमारे साथ में मौजूद है यहाँ के पुजारी, जिनसे हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पर इलाज होता है। ये बताइए कि कौन सा मंदिर है और किस टाइप के इलाज होते हैं? जय नई माता। यहाँ पर मंदिर नई माता का जो है, यहाँ दर्शन को लोग आते हैं, उसके बाद में पीड़ित भी लोग आते हैं और ऐसी ऐसी बीमारी यहाँ सुधर जाती है, जिसको बोलते हैं इनावा। नहीं लगने से जो जख्म होती है ऐसा उठावा, वो डॉक्टर कहीं भी जाते हैं लेकिन वहाँ पर उनका आराम नहीं होता। तो यहाँ पे आते हैं और पैर चलता है, हाथ चलता है, तो 1.25 महीना आते हैं। तो यहाँ के पुजारी ने बताया कि यह चमत्कारी मंदिर है और यहाँ पर किसी भी प्रकार की बीमारी, अक्सर जो घुटनों में दर्द, सर दर्द और कई जो रोग बाधाओं से जो पीड़ित लोग हैं, अंग से संबंधित, त्वचा रोग से संबंधित जो मरीज है, अधिकतर यहाँ पर आते हैं और माता रानी के चरणों में मत्था टेक के दुरुस्त होकर जाते हैं। पुजारी ने कहा कि यहाँ पर जिस भी मरीज का हाथ और पैर चलने लगता है, समझ लो उसका इलाज हो रहा है। गणेश कुमार बाविस्कर, न्यूज 18 बुरहानपुर। नवरात्रि का पर्व खत्म होते ही 24 अक्टूबर को देश भर में दशहरे का महापर्व मनाया जाएगा। बुराई पर अच्छाई की जीत के इस पर्व पर हम बुराई के प्रतीक रावण का दहन करते हैं। दशहरे को देखते हुए उज्जैन में बाजार में रावण के पुतले बिकने आ रहे हैं। बाजार में आए दिन रावणों की खास बात यह है कि ये रावण जलने से पहले लोगों को संदेश दे रहे हैं। इन रावण के पुतलों पर मत का उपयोग करने और मतदान अवश्य करने के पोस्टर लगाए गए हैं, तो वहीं आचार संहिता का पालन करने का भी संदेश दिया जा रहा है। बस कुछ दिन और बाकी हैं नवरात्रि के, उसके बाद दशहरे का महापर्व आने वाला है और दशहरे के महापर्व को देखते हुए बाजारों में आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। देखिए रावण के ये जो तस्वीरें हैं आप देख सकते हैं, ये लोग खूब खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं और साफ साफ इस पर संदेश भी मतदान का दिया गया, साथ ही साथ आचार संहिता का उल्लंघन ना करने का भी संदेश इसके साथ चस्पा किया गया है।
खरगोन की बात करते हैं, जहां माता की पूजा जेल में भी की जा रही है। जिला जेल के उप अधीक्षक वीबी प्रसाद की अगुवाई में जेल के भीतर ही माता रानी का भव्य दरबार सजाया गया। जेल के कैदी भक्ति में डूबे नजर आ रहे हैं। कैदियों में 90 पुरुष और 5 महिला कैदियों ने माता रानी का व्रत रखा। करीब 379 कैदी सुबह शाम माता की आरती में हिस्सा लेते हैं। जेल प्रशासन ने उपवास कर रहे कैदियों के लिए फलहार की भी व्यवस्था की। और इसी के साथ ही एमपी दिनभर के बुलेटिन में इतना ही।